साल 2024 आ चुका है और ब्लॉगिंग करने के तरीके में बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं। ज्यादातर लोग ब्लॉग बनाने के लिए वर्डप्रेस का यूज करते होंगे या तो ब्लॉगर का यूज करते होंगे और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो विक्स का यूज करते होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताना जा रहा हूं जिसपे वेबसाइट बना के आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करने की भी जरूरत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च में आए या ना आए, आपके पास भर भर के ट्रैफिक आएगा और आपके एक अच्छी अर्निंग सोर्स जनरेट होगी। मैं बात कर रहा हूं ExBlog.jp की और आपने इसको आज रिसेंटली जो है, अगर आप ब्लॉगिंग जर्नी में हैं तो आपने इस वेबसाइट का नाम सुन लिया होगा और आपने इसको जो है बाकी यूट्यूबर्स को बनाते हुए देख लिया होगा। लेकिन ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ExBlog.jp पे एक वेबसाइट बना सकते हो, उसको रैंक कर सकते हो और उस पर अच्छा ट्रैफिक ला सकते हो। अब रैंक करने की बात जो मैंने कही है ये मैटर नहीं करता है कि आप उसको गूगल सर्च पर रैंक कर रहे हो या ना कर रहे हो, वो आपको अपने प्लेटफॉर्म पर ही रैंक कराएगा। ये जापान की एक वेबसाइट है, जैसे ब्लॉगर होता है सेम उसी तरीके से वर्डप्रेस है और ये जापान की एक वेबसाइट है जिसपे लैंग्वेज चेंज करके आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और खास बात यह है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको इस पर 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगा, जो कि ब्लॉगर में बहुत दिक्कत होती है। ब्लॉगर में क्या होता है, आपने आज वेबसाइट बनाई, आप भर भर के आर्टिकल्स डाल रहे हो, महीने तीन महीने निकल गए उसके बाद आपका एडसेंस अप्रूवल होगा। वर्डप्रेस में भी सेम प्रोसेस होता है कि आपने बहुत मेहनत करी उसके बाद आपका जो है जो अप्रूवल है एडसेंस का वो होगा बाद में। लेकिन इस वेबसाइट में 24 आवर्स के अंदर आपकी वेबसाइट जो है वो मोनेटाइज हो जाएगी, आपको गूगल एडसेंस का जो है वो अप्रूवल मिल जाएगा। चलेंगे मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और सीखेंगे कि कैसे हम इस पे बना सकते हैं। ये फुल कोर्स होने वाला है तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी चाहिए। तो गाइस आ गए अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है ExBlog। ये जैपनीज वेबसाइट है इसलिए यहाँ पे जैपनीज लैंग्वेज में आ रही है। देखिए पहले ही नंबर पे ये वेबसाइट आ रही है www.exblog.jp, जेपी मतलब जापान, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और ये इस तरह से कुछ यहाँ पे पेज आएगा। ये पूरा पेज जापनीज में आएगा, हमें समझ में नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है हमें इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं आता है तो आप यहाँ पे आके ट्रांसलेट कर सकते हैं और या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी यहाँ नीचे आके ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद ये कुछ ऐसा पेज आएगा, ये बिल्कुल जैसे ब्लॉगर है अपना यहाँ पे गूगल का वैसे ही ये काम करता है, जिसकी खास बात ये है कि इससे ट्रैफिक लाने के लिए और इससे अर्निंग करने के लिए हमें कहीं पर भी जो है रैंक कराने की जरूरत नहीं है। यहीं पे इसके आर्टिकल्स रैंक करते हैं, इसी की कैटेगरीज में आर्टिकल्स रैंक करते हैं और ये बहुत अच्छा ट्रैफिक हमको भेजता है और बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट भी होती है। हालांकि इसके अलावा जो है आप इसको गूगल सर्च में भी कर सकते हैं, गूगल सर्च कंसोल पे भी डाल सकते हैं और आप जो है इसको बाकी के अदर सर्च इंजन्स में भी रैंक कराकर अच्छा ट्रैफिक गूगल एडसेंस से ला सकते हैं। लेकिन इसमें बस एक कंडीशन है कि जितने भी आप इसकी अर्निंग करोगे गूगल एडसेंस से उसका कुछ परसेंट 15% या 20% जो है वो गूगल एडसेंस जो है इनको देगा ExBlog को, बाकी का जितनी भी अर्निंग है आपकी वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा ये लोकल लैंग्वेजेस के लिए नहीं है, अगर आप इंग्लिश में काम करना चाहते हो तभी इस वेबसाइट पे काम करना, क्योंकि ट्रांसलेट करने के बाद कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा ये पेज। तो यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन है यहाँ पे ब्लॉग ओपन का, अगर आपके पास पहले से अकाउंट बना है तो आप यहाँ से लॉग इन करेंगे, लेकिन अगर नया ब्लॉग आपको बनाना है तो यहाँ से आप ब्लॉग ओपन पे जाएंगे। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे हैं कैसे हम ब्लॉग बना सकते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे ब्लॉग ओपन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये पूरा पेज भी यहाँ पे उसमें आया है, ऑटोमेटिक मेरा यहाँ से पेज ट्रांसलेट हो गया जापानीज लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में। अब यहाँ पे हमें एक ब्लॉग का URL बनाना है, ठीक है, जैसे हम ब्लॉगर बनाते हैं ना हमारा .blogspot आता है, तो यहाँ देखिए .exblogjp आ रहा है, तो जो आपका URL होगा वो इसी पे होगा और ऐसा नहीं है कि .com से कम सर्चेस लेके आता है, ये प्रॉपरली रैंक करता है गूगल के सर्च इंजन पे। तो हमें इस पे यहाँ पे जो है टाइटल डालना है, यहाँ पे अपना URL बनाना है, तो मैं जैसे हेल्थ पे बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे अभी इस समय, तो मैं यहाँ पे डालूंगा वुमेन हेल्थ अपडेट्स। देखिए यहाँ पे ये
मैंने डाला, ये देखिए पूरा यहाँ से अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमें एक एक्साइट आईडी बनानी है, तो हम सिंपली इसको ही कॉपी कर लेंगे। आप चाहे तो कुछ और बना सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि अवेलेबल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने एक्साइट आईडी बना ली। तो अब हमको यहाँ पे देखिए पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि प्लीज एंटर 6 to 20 हाफ विथ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड सिंबल। तो आपके पासवर्ड में ये सिंबल होना चाहिए, और जो आपका जो पहला लेटर या फिर एक भी कोई ऐसा लेटर होना चाहिए आपके पासवर्ड में जो कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक अच्छा सा पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, जो कि हमें ये ना लगे कि स्पैम है या फिर बोट है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पे मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। सेम हम पासवर्ड जो है यहाँ पे नीचे डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया। एक कोई हमें ईमेल आईडी देनी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्साइट ब्लॉग के लिए एक अलग से ही ईमेल आईडी बनाएं, उसके बाद ही वेबसाइट पे काम करें। जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दूंगा यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी दे दी। उसके बाद मैं इसको ब्लर कर दूंगा ताकि कोई भी इशू ना आए। यहाँ पे हमको जो है वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से डेट अपनी डाल देनी है, तो यहां पे मैं DOB सेलेक्ट कर दूंगा। ईयर मंथ एंड डेट ये मैंने यहां पे डाल दिया। इसके बाद हमें पोस्ट कोड डालना है। पोस्ट कोड आप कुछ भी डाल सकते हो, बस 7 डिजिट्स का होना चाहिए। दो दो चार दो छः एक सात, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे जो है चेक एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे जितना भी कोई भी इशू होगा यहाँ पे ये बता देगा हमको ऑलरेडी। तो इस पेज को हम फिर से ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये आया है, प्लीज बी श्योर टू रजिस्टर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज यू नीड टू डू इट फ्यूचर यूज इफ़ यू फॉरगेट पासवर्ड द ब्लॉक टाइटल कैन, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे हम दोबारा से कर देंगे। देखिए ये आ गया कंफर्मेशन का। यहां से हम पासवर्ड को सेव कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये मेरे जो है क्रोम पे पासवर्ड सेव हो चुका है। अब यहां पे देखिए कुछ चीजें हमको कह रहा है कि आप चेक कर लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी गड़बड़ हो। तो यहां से हम इसको दोबारा से ट्रांसलेट कर लेंगे इंग्लिश में। बार बार आपको इंग्लिश में ही करना है ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आपको पता चल जाए कि एरर कहां पे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जापानीज लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जापानीज लैंग्वेज इतनी आसान नहीं है कि हर कोई सीख ले। देखिए यहां पे सब कुछ सारी डिटेल्स आ गई हैं। अब हम यहां पे क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। क्रिएट ब्लॉक पे क्लिक करते देखिए हमारे पास एक ऐसा पेज आ गया है, ठीक है। अब हम इसको एडसेंस पे तुरंत भी यूज कर सकते हैं। तुरंत बिना कोई पोस्ट डाले भी हम एडसेंस पे जा सकते हैं, और बिना कुछ करे ही हम डायरेक्टली उसका अप्रूवल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा ब्लॉग बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हम जाएंगे गो बेसिक सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे हम गए गो बेसिक सेटिंग्स में हम गए। यहाँ पे हमारा ब्लॉग का URL आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और एडसेंस पे चलेंगे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे एड न्यू साइट पे जाएंगे, यहाँ से अपनी वेबसाइट को डालेंगे। यहाँ से ये चीज़ को https को हम हटा देंगे। यहाँ से हमने सेव किया, ठीक है। अब देखिए कुछ इस तरीके का पेज आ रहा है यहाँ पे रिव्यू करने के लिए। अब यहाँ पे एक पब्लिशर आईडी आपको दे रहा है कि आप अपनी पब्लिशर आईडी को अपने एडसेंस पे पेस्ट करें और उसके बाद यहाँ से सेव करें। देखिए दोस्तों अगर आपने कुछ आर्टिकल लिखे हैं अपने इस पे ब्लॉग पे तभी आपको ये आईडी पेस्ट करनी है। अब पेस्ट कैसे करनी है, अब जैसे वर्डप्रेस पे क्या होता है कि हम लोग जो है हेडर पे जाके आईडी पेस्ट करते हैं पब्लिशर आईडी, और नहीं अगर हम ब्लॉगर पे काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे जो है दूसरा एक जो हेडर टैग होता है वहाँ पे जाके हम इसको कॉपी करते लगाते हैं। लेकिन अगर आप ये तुरंत आपने ब्लॉग बनाया है और आपको अप्रूवल चाहिए तो आप जो है डायरेक्टली बिना कॉपी पेस्ट करें यहाँ पे इस टैग को बिना कॉपी करें आप यहाँ से अप्रूवल ले सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो। अदर आपने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं तो आपको यहाँ सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस की आपको सेटिंग दिखेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। अब जैसे ये आएंगे नीचे थोड़ा सा चल के आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए मांग रहा है गूगल एडसेंस फॉर एक्साइट ब्लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है अपनी पब्लिशर आईडी को डालेंगे और ये देखिए यहाँ से कॉपी करके अपनी पब्लिशर आईडी को यहाँ पे डालेंगे
और यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि गूगल एनालिटिक्स आप कनेक्ट करें तो आप उसको भी डाल सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स 4 जो अभी नया नया आया है उसको भी आप यहाँ पर ऐड करके एप्लीकेशन पे क्लिक करके चीजों को रन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये आ गया आपका ब्लॉग। इसको हम फिर से इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्यू माई ब्लॉग, इसको हम न्यू टैब पे ओपन करते हैं। तो ये जो ब्लॉग है एकदम बेसिक, जैसे हमारा गूगल एडसेंस उसके होता है ब्लॉगर का, गूगल ब्लॉगर का, उसी तरह से हमारा अभी आपको ब्लॉग देखिए एकदम प्लेन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अभी जापानीज लैंग्वेज में आ रहा है, प्लेन ही हमको देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ही अच्छा ब्लॉग हमें ये अभी यहाँ पे प्लेन एकदम सिंपल नजर आ रहा है। अब इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, इस पर थीम भी लगा सकते हैं, इस पर आर्टिकल भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम चलते हैं कि आर्टिकल कैसे हमें लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, सिंपली आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है राइट एन आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल लिख लेंगे हम। चलिए चैट जीपीटी की मदद से एक आर्टिकल लिख के ट्राई भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, टाइटल देना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और कैटेगरी हमको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है कि नया नया ब्लॉग बनाया है तो सारी कैटेगरीज, यानी कि जो भी आपका जो वहाँ पे ऊपर मेन बार में जितनी भी कैटेगरीज आएंगी वो यहीं पे ही यूज़ करने पे आएंगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम कैटेगरी क्रिएट करेंगे। पहले हम जो है चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिख लेते हैं। यहाँ पे हम चैट जीपीटी से एक आर्टिकल लिखवा लेंगे अपने एक्साइट ब्लॉग के लिए। तो यहाँ पे हम कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं कि व्हाई वुमेन शुड बी अपडेटेड ऑन देयर हेल्थ। प्रॉपर कमांड देके लिखवाएंगे। यहाँ पे मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझ सको। अब मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप प्रॉपर खुद से आर्टिकल लिखो, उसके बाद ही यहाँ पे कुछ भी पोस्ट करो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आर्टिकल लिख रहा है, तब तक हम जो है एक फोटो डाउनलोड कर लेते हैं वुमेन हेल्थ को लेके। ये हमारा खुल गया है। यहाँ से हम जाएंगे इमेजेस पे। इमेजेस पे जाने के बाद यहाँ से हम ये फोटो डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा ताकि हम अभी आगे उसको अपने ब्लॉग पे पोस्ट करें। ये हमने यहाँ पे डाल दिया है, डाउनलोड पे अपने सेट हो गई है हमारी इमेज। अब यहाँ से हम अपने इसको टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। टाइटल को हमने यहाँ से कॉपी कर दिया, टाइटल पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ से हमारा नया है, यहाँ से पूरे बॉडी और कंटेंट हम इसको कॉपी कर लेंगे, पूरा सब कुछ यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे एक्साइट ब्लॉग के यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करेंगे। इमेज इंसर्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे देखिए, ये मैप का है, ये यूट्यूब का है, ये जो है अलग चीज़ का है, ये जो है लाइव ब्लॉग का है और ये जन का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक बार ट्राई करते हैं कि क्या हमारी फ़ोटो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है जो हमने डाउनलोड करी है। देखिए यहाँ पे हमने किया, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन काम नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट थंबनेल करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ गया है। सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अपनी फोटो को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। यहाँ पे ओपन करने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ब्लॉग पे जो फोटो है वो यहाँ पे हमारी लग गई है अपने सेलेक्टर पे। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे फोटो आ गई है, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, यह हमारे पोस्ट के बीच में लग गई है फोटो को। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है यहाँ सेलेक्ट थंबनेल पे भी हम करेंगे और यहाँ पे देखिए एक फोटो आई है, इसको हम कर लेंगे यहाँ पे सेट। ठीक है, यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी फोटो जो है सेलेक्ट हो गई है, अब हमें बस इसको रिलीज कर देना है। यहाँ पे जो है कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, मैंने जैसे बताया था यहाँ कैटेगरी बनानी पड़ेगी हमें आपको, तो यहाँ हम कैटेगरी बना लेंगे हेल्थ। इसके बाद हम ऐड कैटेगरी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख के आएगा, ये हो गया अपना, इसको हम कर देंगे चेंज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये हेल्थ हो गया है हमारा, हेल्थ कैटेगरी आ गई है, कैटेगरी यहाँ पे तैयार हो गई है। ठीक है, अब बस ये पोस्ट हमारा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है दोस्तों। इसको हम यहाँ से रिलीज कर देंगे अपने ब्लॉग को। एक हमारा पोस्ट यहाँ पे पूरी तरीके से
पब्लिश हो गया है, ठीक है। अब हम इसको दोबारा से एक बार पेज को ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आ गया है। एक बार फिर से हम ब्लॉग को अपने ओपन करके देखते हैं किस तरीके से। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो हमने आर्टिकल लिखा था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब ये था दोस्तों बड़ा बेसिक सा ब्लॉग बन गया है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो हम फिर चलेंगे अपने एक्साइट वाले उस पर, और यहाँ पे आप देखेंगे एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे डिजाइन सेटिंग का। डिजाइन सेटिंग पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी थीम्स मिल जाएगी कि जो भी आप चाहो अपना यूज करने के लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप नीचे देखोगे बहुत सारे आपको स्टाइल मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे न्यूज़ फीड वाला एप्लीकेशन एक बार करके देखता हूँ। यहाँ पे न्यूज़ फीड वाला हम लगा के देखते हैं कैसा अपने आ रहा है। न्यूज़ फीड वाला अपना यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। अब ये है ब्लॉग, इसको हम यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखें। देखिए दोस्तों कितना अच्छा यहाँ पे जो है आ रहा है अपने ब्लॉग का। यहाँ पे एक हमने लगा रखी थी इंपॉर्टेंस ऑफ इमेज का, तो यहाँ पे हमारा जो पेज है इस तरीके से कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। बहुत अच्छा ये ब्लॉग है। अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो अच्छा ट्रैफिक आपको आएगा। ट्रैफिक आप अपने एनालिटिक्स पे मॉनिटर भी कर सकते हो जितना भी आप चाहो। ये अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया एनालिटिक्स पे, एनालिटिक्स सीधे कनेक्ट करके आपको बस यहीं सेटिंग्स में जाके जो है अपना कोड पेस्ट करना है। कोड पेस्ट करने के बाद बहुत ही अच्छा ट्रैफिक आपको मिलेगा और एक अच्छी अर्निंग आप इससे जनरेट कर सकते हो अपने गूगल एडसेंस पे। और अगर आप चाहो तो और भी जगह से आप अर्निंग ले सकते हो। ये ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों से ही बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो गाइस ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपने सीखा होगा इससे। आप कंटेंट लिखने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया फर्क नहीं पड़ता है कि कितना प्लैग है और कितना प्लैग नहीं है। हालांकि आपको इस चीज का ध्यान देना है कि ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि वीडियो जो है वो रोबोट ने लिखी है। लगना चाहिए कि हाँ ये जो स्क्रिप्ट है आपकी, जो भी आप पोस्ट लिख रहे हो, वो एक कंटेंट राइटर ने लिखा है। आप बस हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी की और बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।